नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं टीवी का एक नया फॉल्ट। देखिए इसमें ब्लू कलर ज़्यादा दिख रहा है। देखिए इसमें पिक्चर में देखिए ब्लू कलर ज़्यादा दिख रहा है और कोई कलर इसमें दिख नहीं रहा है। ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, कहाँ कहाँ से इसका फॉल्ट आ सकता है इसके बारे में बताएंगे हम, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने टीवी को खोल लिया है, खोल के रखा है। इसका फॉल्ट कहाँ से है इसके बारे में आपको बताएंगे। हम मीटर को पहले 200 की रेंज में सेट कर लेंगे। देखिए हमने इसको 200 की रेंज में सेट कर लिया है और एक प्रोब को हम ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। इस ब्लैक वाले पॉइंट को हम ग्राउंड में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। देखिए इसमें तीन कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अगर तीनों कलर में सप्लाई सही से नहीं जाएगी तो वही कलर ज़्यादा दिखने लगता है। जिस कलर में सप्लाई नहीं जाएगी वही कलर ज़्यादा यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लू कलर नहीं दिख रहा है, तो देखिए हम ब्लू कलर में देखिए चेक कर रहे हैं। ये ब्लू कैथोड है, देखिए ये ब्लू कैथोड है, ये ग्राउंड है, ये हीटर है और ये रेड कलर है। देखिए ये रेड कलर में देखिए 112 वोल्टेज आ रहा है। ये ग्रीन कैथोड है, 114 आ रहा है, लेकिन इसमें ब्लू कलर में देखिए यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे फॉल्ट है, इसको ट्रैक करके यहाँ तक आएंगे। इसका पॉइंट यहाँ तक आया है, देखिए यहाँ भी देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ से एक रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ यहाँ पे भी देखिए कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे भी इस तरफ से दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, यानी सप्लाई आगे जा ही नहीं रही है। देखिए यहाँ पे देखिए 160 वोल्टेज, 165 वोल्टेज दिखा रहा है, जो 180 वोल्टेज की सप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। या तो ये रजिस्टर ख़राब हो सकता है, या तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो ख़राब हो सकता है। देखते हैं इसको निकाल के चेक करते हैं कहाँ पे शॉर्टिंग है, क्या प्रॉब्लम है। बेस बोर्ड को हम निकाल लेंगे, इसको आराम से यहाँ से हम निकाल लेंगे, निकाल के चेक करेंगे कहाँ पे फॉल्ट है। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखिए हमने बेस बोर्ड को निकाल लिया है। देखिए यहाँ पे हमने हाथ रखा तो ये रजिस्टर बहुत हीट कर रहा है, ये दोनों ही हीट हो रहा है, लेकिन ये वाला लास्ट वाला बहुत हीट हो रहा है, देखिए गर्म है बहुत। इसका मतलब है कहीं पे शॉर्टिंग है तभी ये हीट हो रहा है। सप्लाई तो आ रही है तभी तो हीट हो रहा है ये, अगर सप्लाई नहीं आती तो हीट नहीं होता, लेकिन सप्लाई आ रही है और यहाँ पे शॉर्टिंग है, इसकी वजह से ये हीट हो रहा है। चेक करते हैं बारी बारी से, दिखाते हैं आपको कहाँ पे फॉल्ट है। देखिए बीप की रेंज में हमने सेट किया है इसको। देखिए यहाँ से ये रजिस्टर लगा हुआ जो हीट कर रहा था, देखिए शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है। देखिए ये ग्राउंड का है, ये हीटर का है, दोनों शॉर्टिंग दिखाएंगे क्योंकि ये दोनों शॉर्ट होते हैं, हीटर का और ग्राउंड का। और ये ब्लू का है उसके बगल में, यहाँ पे शॉर्टिंग सभी कैथोड में चेक करेंगे। देखिए रेड ग्रीन ब्लू, ये ब्लू यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका ट्रैक आया है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर लगा हुआ है, देखिए 1800 किलो ओम का रजिस्टर है, ये 18 किलो ओम का। यहाँ पे भी देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है, तीनों रजिस्टर यहाँ पे
तीनों रजिस्टर में चेक करेंगे। अगर किसी की रीडिंग कम या ज़्यादा हो तो आप उसको निकाल के चेक कर सकते हैं, इससे भी फॉल्ट हो सकता है। अगर किसी की रीडिंग कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है तब भी दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ पे 232 रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो ब्लू कलर में ही, ब्लू कैथोड के रजिस्टर में लगा हुआ है। अब दूसरा जो बगल में ट्रांजिस्टर है वहाँ पे जो ये रजिस्टर लगा हुआ है वहाँ पे चेक करेंगे इसकी रीडिंग कितना आ रहा है। ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, डायोड को भी चेक कर लें, क्योंकि डायोड भी ख़राब हो जाता है तब ऐसी दिक्कत आती है। यहाँ देखिए तीन डायोड लगे होंगे और तीन देखिए ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। देखिए ये ट्रांजिस्टर है जिसमें कलर ये ब्लू कलर का है, इसी में कलर सही से नहीं सप्लाई हो रही है। देखिए यहाँ पे 429 रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए 429 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे देखिए चेक करते हैं यहाँ पे कितनी रीडिंग शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 232 रीडिंग शो कर रहा है। हमें यहीं पे फॉल्ट समझ में आ रहा है, रजिस्टर को निकाल के देखेंगे, क्योंकि बोर्ड में अगर लगा हुआ चेक करेंगे तो रीडिंग सही से नहीं दिखाएगा। इसको निकाल के चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए लगा हुआ था जो ब्लू कलर का रजिस्टर है उसी में लगा हुआ था और इसी में हमारा फॉल्ट है, तो इसी को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है, रजिस्टर है, इसको मीटर से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 503 रीडिंग शो कर रहा है, लेकिन वो बोर्ड में जब लगा था तब 200 के आसपास रीडिंग शो कर रहा था। यहाँ पे देखिए लगा हुआ था 230 वोल्टेज के आसपास शो कर रहा था, लेकिन जब बाहर निकाल के चेक किया तो 500 रीडिंग शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो दूसरा ट्रांजिस्टर है, दूसरा कलर है, उसमें ये रजिस्टर कितनी रीडिंग शो कर रहा है, 426 शो कर रहा है। इतनी ही रेंज का हम दूसरा रजिस्टर यहाँ पे लेके लगा के देखेंगे। देखिए ये हमारा जो लगा हुआ था वो निकाला, 500 रीडिंग शो करा, इससे कम वोल्टेज का हम रजिस्टर निकालेंगे। देखिए 466 का है, इसको हम लगा के चेक करेंगे, क्योंकि अगर किसी रजिस्टर का वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो तीन रजिस्टर लगे हुए हैं तीनों में सब में वही रजिस्टर लगे हुए हैं और वही डायोड लगे हुए हैं। तीनों कलर के सभी रजिस्टरों का वैल्यू चेक कर लें, सभी का सेम मिल रहा है, किसी का अलग तो नहीं है। अगर किसी का अलग फर्क उसमें समझ में आता है तो आप उसको निकाल के चेक कर लें तो क्लियर मालूम पड़ जाएगा। अगर बोर्ड में लगा के चेक करेंगे तो नहीं क्लियर मालूम पड़ेगा, इसलिए इसको अलग निकाल के देख लें। देखिए हमने इसको हम निकाल के दूसरा लगाया है, अब चेक करेंगे, फॉल्ट वही है कि सही हो गया। अगर ठीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर इसी में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है कलर वाला उसको चेंज करके देखेंगे, उसके शॉर्ट हो जाने से भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। देखिए हम यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 427 वोल्टेज दिखा रहा है, पहले जो दिखा रहा था वो 250 के आसपास दिखा रहा था। देखिए दूसरे में चेक करेंगे तो दूसरे में भी देखिए 426 के आसपास दिखा रहा है। ये पहला वाला है जिसमें ब्लू कलर आ रहा है, जो कलर सामने आए उसी कलर से में देख चेक करें, डायोड जो ट्रांजिस्टर जिस कलर में लगे हों उसी कलर में हमको फॉल्ट ढूंढना है। इस कलर में फॉल्ट था तो हमें ये रजिस्टर थोड़ा उसका वैल्यू ज़्यादा मिला, इसलिए हमने इसको चेंज किया है। अब लगा के चेक करेंगे,
कि हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे आप बताएंगे कि आगे और क्या दिक्कत हो सकती है। कभी कभी हमारा पिक्चर ट्यूब भी डाउन हो जाता है। अगर पिक्चर ट्यूब भी डाउन हो जाएगा तो उस पिक्चर ट्यूब को चार्ज करना पड़ेगा, तभी वो फॉल्ट जाएगा। पहले हम इसको लगा के चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट सही हुआ कि नहीं हुआ। आगे दिखाते हैं आपको। देखिए हमारा फॉल्ट तो क्लियर हो गया। देखिए पिक्चर एकदम क्लियर आ गई है। कलर भी देखिए सही से आ गया है। फॉल्ट वो वहीं पे था कि वो सप्लाई को ड्रॉप कर रहा था, जो रजिस्टर लगा हुआ था वो सप्लाई को ड्रॉप कर रहा था, इसकी वजह से नीला कलर ज़्यादा दिख रहा था। जिस कलर में सप्लाई बराबर नहीं जाएगी वही कलर आगे आपको दिखने लगेगा। देखिए बिल्कुल क्लियर है, पिक्चर भी हमारी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब हम आपको सभी के वोल्टेज चेक करा के दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि अब पिक्चर सही हो गए तो सभी में सप्लाई भी सही हो जाएगी। पहले दो में सप्लाई आ रही थी, रेड और ग्रीन में, अब ब्लू में नहीं आ रही थी। अब चेक करके देखते हैं, यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू, ये ब्लू कलर का कैथोड है। देखिए यहाँ पे सप्लाई अप डाउन हो रही है। अगर सभी में कलर सही है तो सप्लाई एक स्थिर नहीं रहेगी, अप डाउन होगी, कम ज़्यादा होगी। देखिए ग्रीन में देखिए इसमें भी अप डाउन हो रही है। जैसे जैसे कलर घटेगा बढ़ेगा वैसे वैसे स्क्रीन भी अब वोल्टेज भी इसके अप डाउन होते रहेंगे। देखिए ये रेड कलर है, इसमें भी सप्लाई अप डाउन हो रही है। देखिए सभी की सप्लाई सही है। ये ब्लू कलर है, देखिए यहाँ पे भी सप्लाई अप डाउन हो रही है। देखिए अगर कोई एक भी कलर फॉल्ट होगा ना तो दो कलर काम नहीं करेंगे सही से, तो उनका वोल्टेज स्थिर रहेगा। इतना ज़रूर ध्यान दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।